तुम्हारा पीटी टीचर पीटी कर कर के मरा जा रहा है और तुम यहाँ बैठ के अखबार चाट रहे हो। तुम बिल्लू? कौन बिल्लू? अंगोछा प्रसाद, सिर्फ खा खा के गैस की टंकी हो गए हो तुम। ओलंपिक में जाके सिर्फ फटोगे तुम। वहां पीटी करो वरना छड़ी मार मार के छड़ी तोड़ दूंगा मैं। One, two, three. सर वो? हाँ वो। कुछ हुआ था? तेरी छड़ी ने मुझे छुआ था। यही सब करने के लिए सारे जीजा ने छोड़ दिया है तेने यहाँ हमारे पास। बढ़िया होता तू छूट जाता भाई खामोश जंक्शन पे। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम एक हफ्ता हो गया उस खामोश जंक्शन पे गए हुए लेकिन फिर भी आप उसका नाम लेके अभी भी हमें डरा रही हैं। या मॉम, केस हो चुका है बंद इस दा, हसीनाएं मुझे कहती हैं देव आनंद इस दा। केस बंद नहीं हुआ है। यो कमिश्नर साहब ने जरूर ऑर्डर दिया होगा केस बंद करने का, पर मैंने केस बंद नहीं करा। तो फिर मैडम कब बंद करेंगे? जब हमें से कोई भूत बन के खामोश जंक्शन पे जाके समोसे का ठेला लगाएगा तब। शाबाश। केस तब तक बनना होगा जब तक है जान, जब तक खामोश जंक्शन के रास से पर्दा ना उड़ जाए तब तक, समझे? सॉरी। आइए एक्सक्यूज मी मैडम, फिल्म सुपर हिट बा। क्यों, क्या चाहिए? सुरक्षा। क्यों यार, इस आइटम ने, मेरा मतलब है इस फुलझड़ी ने, मेरा मतलब है इस लड़की ने तुमको छेड़ दिया क्या? अरे हम किसको का छेड़ेंगे मैडम, मटक मटक के हम तो खुद छेड़ रहे हैं मटक मटक के। ओहो, किसने छेड़ दिया आपको, पप्पू हलवाई ने या कल्लू कसाई ने? नहीं, असल में हम पूरी बात बताता नहीं मैडम। असल में बात ये है कि हम हैं भोजपुरी फिल्म के सुपर फिलॉप डायरेक्टर काजू कनौजिया और हम एक फिल्म बनावत बा हाई वोल्टेज वाली करंट मारे गोरिया। तो क्या मारे से जो है फिल्म का मुहूर्त करवाने आयो? अरे नहीं मैडम, वो कहा है ना कि हमारी शूटिंग ना चिटपुटियागंज में चल रही है, जहां हम जैसे ही ठुमका लगाते हैं ना मटक मटक के, वहां कुछ लड़के ना हमें छेड़त हैं मटक मटक के, और जिसकी वजह से ना शूटिंग नहीं हो पा रही है मटक मटक के। अच्छा तो फिर नीलू जी फिर क्या, इसमें दिखाइए ना ठुमका आप यहाँ पे, हम भी फिर पता तो चले फिर। सब दुखे भागल की अहिले अगनवा धनवा के लागल कटनिया, अरे लई लई हसबा साखने संग चल ली भौजों के मनमा मगनवा, अरे बोजा बोजा ढो ढो चली खले हनेवा, बोजा बोजा ढो ढो, अरे बोजा बोजा ढो ढो चली खले हने। ये शूटिंग कैंसिल कर दो, ऐसी फिल्म ही मत बनाओ, तो फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं मैडम जी, बोल बहुत संस्कारी हैं और फिल्म जो है 75% बन गई है। जाओ जरा इसकी शूटिंग में देखो कौन गदर मचा रहा। जरूर जरूर जाएंगे जरूर। ओके एक बार और। एक्शन। अरे भाई तुम दोनों बहुत ही लतखो टाइप के छोकरा बा, दूसरी बार आ गए शूटिंग डिस्टर्ब करे खातिर, अरे भाग यहां से। अरे का करे, इनका ठुमका खींच ले आता है। ये। अरे साहब यही वो दोनों लौंडे हैं जो शूटिंग डिस्टर्ब कर रहे थे हमारी। इसको लगा कोई एक्टर है कोई, इधर आ जा। हम हिरन ही डर गई भाई।
है? नाचने का बहुत शौक है, है? अरे ये तीनों पुलिस हैं भाई, तुम मेकअप रूम, हम मेकअप रूम में छोड़ के आते हैं, आओ आओ। अरे लेकिन आप चल चौकी में, अभी नचाता हूँ तुझे, चल। Oh my gosh! गुलगुले बिल्लू, वो देखो, वो बोर्ड हमने कहीं है देखा हुआ इस दा, कुछ तो है आग जो उठ रहा है धुआं इस दा। भल्लू चाय वाला गरम है करारी है? भल्लू की चाय एकदम करारी है। ये बोर्ड तो हमने वहां देखा था, अमोश जंक्शन स्टेशन पे। लेकिन ये बोर्ड यहाँ क्या कर रहा है? काहे आखिर काहे यार, तुम्हारी शूटिंग पे वो जो चाय की दुकान थी ना, उसका बोरड कहाँ सा है? अरे मैडम, लेकिन हमरा का ही समझ में नहीं आत बा कि उ चाय के बोरड में ऐसा कौन सा इंटरेस्ट बा जिके खातिर हमरा के शूटिंग से बुलाई लिए। या ब्रो टेल मी, वो बोर्ड आया कहाँ से? इस दा मेरी अदा है अलग सारे जहां से इस दा। अरे दादाजी, आरत डायरेक्टर का असिस्टेंट लाता नहीं, फिल्म सुपर हिट बा। अबे डायरेक्टर तो सुना है मैंने, आर्ट डायरेक्टर के हो बे? अरे मैडम जी, हमका तो यही लागत बा कि चौकी के अलावा आपको दीन दुनिया की खबर ही ना होत बा। अरे अरे मैडम, आरत डायरेक्टर वो होत बा नहीं कि जैसे फिल्म का जो सेट है ना, ये मोटे मोटे कीला ठोक के लगा बतानी, जैसे कि पूल है, महल है, सड़क है, पीछे से चौकी है ना आपकी, माने नकली चौकी बना बतानी, वो सब फिल्म के सेट में बना बतानी, फिल्म सुपर हिट बा। आई 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 वेरी नाइस यार, मतलब सेट बन जावे कुछ भी चीज एकदम सेट। हां सही है यार, तो एक बात बताओ कि सेट बन जावे ठीक है, उसको उखाड़ने में हटाने में कितना टाइम लगे? अरे मैडम, आजकल तो बहुत ही आसान बा, ऐसे घपाक से 2 घंटा में सेट लगावत बा और 2 घंटा में घपाक से सेट हटावत बा। यो बताओ, तुम्हारी शूटिंग का आर्ट डायरेक्टर कौन सा? अरे वो है ना अपना पिंचू पंचोली है, लेकिन लेकिन मैडम हम उसके साथ काम ना करब, वो कहा ना बहुत ही महंगे में सामान देता नहीं, तो हम उसका जो असिस्टेंट है उसके साथ काम करब, वो बहुत हमको सस्ते में गोदाम से सामान देता नहीं, फिल्म सुपर हिट बा। अच्छा तो वो बोरड मतलब उसके गोदाम से आया था, ठीक है इसको अरेस्ट करके अंदर डाल दो। अरे अरे हम नहीं का कसूर बा, फिल्म सुपर हिट बा। नहीं कसूर वैसे तो तुम्हारा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने जो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है ना, हम नहीं चाहते किसी और ने जो है पता लगे कि हमें मिल गई इन्फॉर्मेशन, इसलिए कस्टडी में रहोगे तुम पुलिस की। अरे मैडम, लेकिन हमारी शूटिंग का कब है ले, फिल्म सुपर हिट बा। अरे वो मैंने बोल दिया वहां पे एक स्पॉट बॉय को, वो तुमसे अच्छी डायरेक्ट कर लेगा, तुम चलो अंदर। अरे बोलना एक्शन का पार्ट वाला का जाने, अरे कहां भाई सो रहा है, वो भी एक्टर है, जाओ। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लान? इज द खुले हुए हैं मेरे कान, इज द प्लान यो है कि ईव होगा कहानी का सामान मुझे दे दो। चलिए मैं आपको बाहर रिक्शे तक छोड़ा हूं। साहब चाय नहीं पियेंगे? हमारी झल्लू की चाय एकदम करारी है। नहीं पियेंगे।
आइए बाबूजी, ये रहा आपका रिक्शा। आओ बाबू लोग, बैठ जाओ। यहाँ आने वाले मुसाफिरों की मंजिल एक ही होती है। कितना पैसा लोगे? पूरे 10 रुपए, वो भी कल सुबह। भूत होके? भूतों से पैसे लोगे? क्या हुआ? छूट गया सामान। अब बहुत जल्द तेरे शरीर से तेरे प्राण भी छूट जाएंगे। चाय वाले, हमें चाय नहीं पिलाओगे? अरे चाय पिलाओ यार। आप लोग, हम है वो भटकती आत्मा जो कर देंगे तुम लोगों का खात्मा। हमारा नाम लेके तुमने लोगों को बहुत लूटा है, अब हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी लूटेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अभी हम नहीं मरना चाहते, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? नहीं जाने दूंगी। अरे भूत वाली आंटी, अब जाने मत दीजिए, लेकिन माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। माफ नहीं साफ, ईब तो मैं तुम्हें साफ करूंगी इस दुनिया से। पुलिस? या हाँ बेटा, पुलिस। क्या जी? मासूम लोगों को भूत बन के खूब डराते हो, उनका माल लूटते हो ना? ईब यो मारे भूत, तुम्हें असली का भूत बनाएंगे। अरे फंसवा दिया ना, अच्छा खासा फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर बन के पैसे कमा रहा था। अबे चुप, ये तेरा आइडिया था ना, स्टेशन का सेट लगाएंगे, ट्रेन रुकवाएंगे, फिर लोगों के लूटेंगे। अभी रुक तेरे। हाँ, और बाद में रातों रात पूरा सेट गायब कर देंगे। हाँ, आइडिया मेरा था, लेकिन लूट का माल तो बराबर बराबर बांटते थे ना हम लोग। हमें माफ कर दो, जिंदगी में ऐसे काम नहीं करेंगे। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इसका, अब तुम जाओगे जेल इसका। हाँ बेटा, तुम लोग का खेल खत्म हो गया है और खामो जंक्शन का राज ना खुल चुका है कि कैसे तुम लोग रेलवे स्टेशन का नकली सेट लगाते थे और ट्रेन के ड्राइवर से मिलकर ट्रेन उसी सेट पर रोकते थे और लोगों को लूटते थे। हैं बे, एक बात बताओ इब, जरा ये टीसी का क्या राज है? वो तुम्हारे आदमी को तो हम पकड़ ही लेंगे, पर ट्रेन में असली टीसी के कपड़े पहन के तुम्हारा आदमी कैसे आ जावे था? बात बहुत छोटी सी है मैडम, वो क्या है ना, वो टीसी होलू सक्सेना जो है वो खाने का बहुत शौकीन था, तो उसको नशे वाला लड्डू खिला देते थे। हाँ, वो खा के सो जाता था, उसे पता भी नहीं चलता था ट्रेन कब और कहाँ जाकर रुकी। हाँ, और उसके कोट पहना के हम अपने आदमी को टीसी बना देते थे, बहुत मजा आता था। हाँ, ट्रेन राइट टाइम है। बालको, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो इन सब ने, इनका भूत तो ही मैं बनाऊंगी। ओके चलो। ओ बिल्लू, के चल रहा है यो सब? अब तुम्हारा फूफा दुनिया से कूच कर गए कि मौसम उसी आ गया है? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम आज अचानक मुझे और गोपी को एहसास हुआ कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं। या मॉम, भले ही हम करते रहते हैं एक दूसरे के साथ पक्की कच्ची इज्दा, लेकिन दोस्ती है हमारी सच्ची इज्दा।
वाह, व्हाट अ ड्रामा क्वींस। वाह वाह, ठीक है भैया, तुम दोनों तो जय बीरू हो रहे हो, बिल्कुल घुस गए हो दोस्ती में। यो, इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा थर्ड पार्टी? मैडम, मैं तो मैडम बहुत ही नाजुक दिल का हूं ना मैडम, मेरे से किसी का इमोशन देखा नहीं जाता, अगर कोई इमोशनल होता है तो मैं फिर रो देता हूँ, मेरा रोना निकल जाता है वहाँ पे, और ऊपर से ये दोनों तो मेरे बड़े भाई हैं, ये राम है, ये लखन है। बेचारा एक दिन बाजार में ले आके तुम दोनों को ठेलों पे बिठा देगा सब्जी के। काम पे लग लो जरा। मैडम मुझे बचाइए। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, इसे मुझे बचाइए, ये मुझे पीट रही है, मच्छी मगरमच्छ है। ये क्या बात हुई यार, मच्छी मगरमच्छ है? अरे आप समझे नहीं, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है मच्छी, और मगरमच्छ की तरह मुझे पीट रही है, देखिए ना, मुझे इससे बचाइए मैडम। ओ पिंक पैंथरनी, क्यों पीट रही है अपने पति ने? अरे मैं मारेगी नहीं तो और क्या करेगी, दरवाजा तोड़ के। अरे ऐसा हलकट मिल लिया, मरद मिलाए मेरे को। अरे 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 अरे, तो आप वो पंडित को जाके मारी है जिसने आपकी शादी करवाई है इनसे, इनको क्यों मार रही हैं आप? अरे मैडम मैं इसको कितनी बार बोली कि मच्छी पकड़ने को जा, मच्छी पकड़ने को जा, जैसे कि दूसरा मर्द लोग जाता है मच्छी पकड़ने को, देखे देखे देखे। पर ये हलका बार में ही बैठा रहता है। ओहो महाराज, तुम्हारा है बारिशदा, हसीना पहनाना चाहती है मुझे हारिशदा। That's right, एक हार मैं भी पहनाना चाहती हूँ, समझ गया जी, carry on। चल हट, चल हट, चल हट। हाँ भाई, नाम बोलो। बॉम्बिल। मतलब मेरा नाम है, मेरा नाम है बाबू बॉम्बिल, मच्छी मगरमच्छ है। मैडम देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बार में बैठकर कुछ ना कुछ तो कमा ही लेता हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझे कहती है कि जाओ समुंदर में जाओ और डूब मरो। मतलब कि बोल रहा हूँ ना कि समुंदर में जाओ और मछली पकड़ के लेके आओ, लेकिन मुझे समुंदर में जाना अच्छा नहीं लगता मैडम। हाँ समुंदर में जाना अच्छा ना लगता तेने, बार चलाना अच्छा लगे तेरा, बार है ना, एड्रेस लो, रेड मारो बार। हाँ, नहीं नहीं मैडम आप समझी नहीं, दारू वाला बार नहीं, मिल्क बार, मतलब के दूध वाला।
मैंने आराम से बैठ के दूध पियो और मजा करो। तुम मच्छी मगरमच्छ है। अरे यार तू कैसी मैसेज हो रही है? इतना शरीफ आदमी पति मिला है, तेने मिल्क बार चला रहा है, दूध का जो है दुकान, इसमें परेशानी हो रही है, इसे पीट रही। वार्निंग दे रही हूँ मैं, यो सब वायलेंस बिल्कुल नहीं, निकलो अब यहाँ से, चलो। मच्छी तू बहुत अच्छी। थैंक यू थैंक यू। चलो सर थैंक यू। आईला फटाफट केस सॉल्व भी हो गया। तुम लोगों जैसा ही है, अभी प्यार, फिर तुड़ाई, फिर भाईचारा, फिर सैड सॉन्ग, फिर घुसखोरी, फिर बैक स्टेबिंग, फिर चुगलियां एक दूसरे की। अभी तीन ब्रदर्स बने, फिर थ्री इज क्राउड हो जाएगा। बस मिस चौटाला, उस दिन से जो हमने पान खाना शुरू किया है आज तक बंद नहीं किया। सर किसी ने जो है फुल लाइफ आपको कभी मतलब ऐसा बताया नहीं कि ईटिंग पान इज बैड हैबिट? बताया ना, लेकिन हमने ना किसकी सुनी है तो ना किसकी सुनेंगे। अच्छा सर कोई बात नहीं, बट एक बात बताइए, जैसे कल को आपकी शादी होगी, आपकी एक मैसेज आएगी वाइफ बीवी, तो अगर वो आपसे एकदम कहे कि ए जी सुनते हो पान खाना जो है अच्छी बात ना है, दांत स्टेन हो जावे, तो उसकी बात भी फिर आप नहीं सुनेंगे? मतलब सुनेंगे ना आपकी बात है जी। हमारा मतलब है सुनेंगे हम अपनी मिसेस की बात। अपनी मिसेस को तो हम सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। पुलिस नहीं तो क्या, मैं यहाँ नर्स लग रही हूँ, ये डॉक्टर हो रहा। ओह गॉड, अच्छा हुआ तुम लोग इधर, मैं मिल गया। हम तुम्हारे ऑफिस आता था, डिनर मिलेगा लंच में। अरे आंटी खुल के बोलो क्या कहना चाह रही हो, बिल्कुल ही जो है डिनर ब्रेकफास्ट लंच। हम क्या बोलेंगे, वो क्या है ना मैन, हम फ्लोरा आंटी, हमारे घर की बिना बजाए घंटी दो लोग दो बार घुसा। कौन है ये लोग जो बिना घंटी बजाए घुस रहे हैं तुम्हारे घर में? ए मैन क्या बात करता है तुम, हम कैसे जानेंगे कौन लोग है वो? तुम लोग पता लगाएंगे ना कौन लोग हमारे घर में रात को चोरी करने के लिए घुसा? हाँ डिनर मिलेगा लंच में। मैन हम फ्लोरा आंटी ग्राउंड फ्लोर पे अकेला रहता है, हमारी जान को खतरा है, प्लीज हेल्प हेल्प। ठीक है आंटी, हम पता करते हैं, हम बंदे भेजते हैं तुम्हारे यहाँ, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तुम्हें और पता लगाते हैं कौन आ रहा है। ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड तुम्हारा जोड़ी सलामत रखे। तुम्हें दो मोटा मोटा चाइल्ड थे, बॉय जेम्स और बॉन्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय। चलिए सर कहा इतना इतरार है, चलिए। क्या भैया क्या, मैडम ने हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगा दी, वरना अच्छा खासा मैं सीडी लेके आया था भोजपुरी पिक्चर के साथ में, मैंने सोचा था आराम से मजे से बैठ के चौकी में अपन दोनों देखेंगे। अरे डोंट वरी ब्रो, यहाँ नारायण टॉकीज में ना एक भोजपुरी फिल्म लगी है, हसीना का पल्लू आई लव यू लल्लू, हम दोनों देखने चलते हैं, गुलगुले है ना ड्यूटी पे? हाँ। अच्छा मतलब तुम दोनों खाओ मालपुआ और हम फाके धुआ, ऐसा नहीं होगा, तीनों की ड्यूटी लगी है, तीनों ड्यूटी करो, और अगर किसी को यहाँ से जाना है ना, और अगर कोई यहाँ से गया ना, तो मैडम को सब बोल दूंगा मैं। हाँ। गुलगुले जी आपकी बस यही बात अच्छी नहीं लगती, आपसे किसी और की खुशी देखी नहीं जाती। ड्यूटी कर। आमीन। ये लो खाओ। आमीन। कितना खाता है तुम? हाँ जब से इधर में आया है खाता ही जा रहा है, इतना खाएंगा तो फट जाएगा, डिनर मिलेगा लंच में। देखिए आंटी अगर मैं खाऊंगा नहीं ना तो मुझे नींद आ जाएगी, फिर अगर मैं सो गया और सोने के बाद आप पे अटैक हो गया तो बोलना नहीं मुझे कुछ है। लगता है मेरे को नींद आ रहा है, मैं जाके सोएंगा। ओके जाता है मैं, गुड नाइट। Ooh.
वेल, पेट भर के लिया है खाइजदा, रही है अब नींद आइजदा। लेकिन भैया हमको जागते जागते ड्यूटी करनी है। क्या फर्क पड़ता है यार, देख आंटी तो सो गई है, आंटी को तो पता चलेगा नहीं, हम भी सो जाते हैं, कोई आएगा चोर वोर तो उठ जाएंगे। अभी सो लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर आज ज्यादा ही आपकी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, मतलब गुड डे, गुड, वेरी गुड सर। शड़ाला आपने कुछ गौर नहीं किया सर? क्या गौर करना था सर? मैंने हमने पान नहीं खाया। मैं चढ़ाला देखिए, वैसे क्यों नहीं खाया सर आपने पान? आपने तो कहा था कि पान नहीं खाना चाहिए। अरे सर मैं तो दिन में न जाने कितनी बातें कहते रहे हुए हूँ सर, पर ऑन सेकंड थॉट्स, ऑन डीप अगर मैं इसमें सोच लूं तो पान खाते हुए आप स्वीट लगते हैं सर, काफी क्विट गोल गाल आपके, ऐसे एंटी ग्रेविटी हो जावे एकदम गोल, मुंह भी लाल हो जावे एकदम, ओ ऐसा स्वीट एकदम लगते हैं सर, क्वाइट क्विट क्यूट है। एक्सक्यूज मी सर, इतनी जो है सुहानी शक्लें बना रखी से।
लगता है चोर मिल गया, उसी से हाथापाई हुई है। कोई चोर वोर नहीं मैडम। मैडम वो आंटी, वो आंटी ने खुद हमें डंडों से सूता है मैडम। या मॉम, वो नींद में है चलती इज्दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड दूसरी से है चलती इज्दा। हाय हाय, कोई चोर वोर नहीं है मैडम, वो आंटी क्रैक है वो। ओ मैडम नींद में चलती है, लोगों को मारती है वो। उसने मैडम खुद कुछ देख लिया होगा और चोर 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 कह के उसने बस पागल बना रखा पूरी दुनिया को। जो भी हो, पर वो आंटी सीनियर सिटीजन है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। हाइला मैडम, हाइला मैडम, हाइला मैडम, 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 मैडम। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा पारिवारिक है मामला, पत्नी से खुद पिटता है और फिर खूब जो है प्रेम रास भी हो जावे तुम में। ना ना निकल यहां से। नहीं नहीं मैडम, मुझे बीवी ने नहीं पीटा, मच्छी मगरमच्छ है। ओह तो अब किसने पीट दिया यार, अड़ोसन ने या पड़ोसन ने? अरे ना अड़ोसन ने ना पड़ोसन ने। मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी मछुआरों की बस्ती में ना कुछ अजीब और गरीब हो रहा है, मच्छी मगरमच्छ है। Well, what is this अजीब चीज़ is the? मेरी सांस पे आती है, मुझे खींच is the? मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी मछुआरों की बस्ती में ना कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, मच्छी मगर मच्छ है। खुल के बताएगा? अरे बताऊंगा क्या मैडम, दिखाऊंगा क्या? फिल्म या मेला? ये अरे आप लोग मेरी बस्ती में चलिए, वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मच्छी मगरमच्छ है। ठीक है तो चलो जरा हमाऊ बस्ती घुमाए। आई आई मैडम आइए, काहे भौजी आज फेरी लेना है गली का? आए मैडम ये आई। हाँ मैडम यही बस्ती है, काफी स्वीट है, पर यहाँ के दिखाने लाया मन्ने। हाँ मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी बस्ती में 50 घर है, उसमें से 48 घर ऐसे हैं जिसमें किसी न किसी रात को किसी न किसी घर की खिड़की टूटी है और कोई ना कोई अंदर घुसा है, मच्छी मगरमच्छ है। ओह मतलब चोरी हुई है? नहीं ना चोरी तो नहीं हुई है, मच्छी मगरमच्छ है। क्या है क्या आदमी है, मतलब ये कोई किसी के घर में रात को अगर खिड़की तोड़ के घुस रहा है तो वो चोरी करने के लिए घुसेगा ना कि डांस करने के लिए? मैडम इसलिए तो मैंने चौकी में आपसे कहा था कि कुछ हमारी बस्ती में अजीबोगरीब हरकत हो रही है, कि कोई ना कोई खिड़की तोड़ रहा है, घर में घुस रहा है, लेकिन चोरी नहीं कर रहा है, मच्छी मगरमच्छ है। अगर चोरी का मकसद ना है तो फिर कोई क्यों घुस रहा है लोगों के घरों में? एक मिनट मैडम, मैडम कई साल पहले मैं भी इस तरह एक खिड़की को तोड़ के घर में घुसा था, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने घुसा था मैडम। तो मैडम ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हर जना यानी कि हर एक घर में किसी ना किसी की गर्लफ्रेंड हो। मैडम आइए मेरे साथ आइए, आप मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए आइए। मावशी पुलिस वाले लिए अरेस्ट करना है, घर ही जा लवकर। आइए मैडम आइए। मैडम ये देखिए, ये निशान देख रही मैडम आप यहाँ पे? ऐसे हर घर के बाहर उन लोगों ने निशान लगाया है जिस घर की खिड़की उन्होंने तोड़ी है और उस घर में वो घुसे हैं, मच्छी मगरमच्छ हैं। इस तरीके का निशान लगाना तो एक ही बात जाहिर कर रहा है कि वो एक तरह का जो है मतलब मार्क है, रिमाइंडर कि भैया इतने घर हमने कवर कर लिए हैं और इतने नहीं करे, जिनमें क्रॉस लग गया है वो घर हमने कवर कर लिए हैं, मतलब उनमें हम घुस लिए हैं। तो मैडम अब ऐसे दो ही घर बच्चे जिसके घर के बाहर ऐसे निशान नहीं लगे हुए हैं, एक तो मेरा घर और एक किसी और का, मच्छी मगरमच्छ है। हाँ तो फिर रेडी हो जा, इब नेक्स्ट घर थारा ही हो सके, इब वो थारे घर में घुसेंगे और फिर मार्क लगाएंगे। लेकिन असली बात यो है कि अगर चोरी उनका मकसद ना है तो फिर वो लोगों के घर में क्यों घुस रहे हैं? लोगों के घर में जरूर कुछ ढूंढ रहे हैं। आखिर ये लोग हैं कौन और इन्हें किस चीज की तलाश है? मुझे वो जहाज किसी कीमत में भी होना, चाहे कुछ भी होना पर वो जहाज मुझे खोना।
उस जहाज को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना होना। पर वो जहाज मुझे होना मतलब स्पैरो सवरिया को होना मतलब होना। दाल में तड़का है भौजी को हुआ लड़का है हुआ। क्रो पिजन तुम दोनों को आज किसी भी हाल में आंटी के घर से वो जहाज लाना होना। कुको जल्दी चप्पू चलाना होना। आज समंदर में तूफान आने वाला होना। दाल में तड़का है भौजी को हुआ लड़का है हुआ। यार मैडम बिना एक नंबर की भूली है। अरे आंटी ने इतना सूता हमें, इतना सूता, उसके बाद भी ये आंटी के घर पे ही ड्यूटी लगा दी हमारी मैडम ने। पर ये अच्छा है, भगवान की दया से हम लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। वेल आंटी का क्या भरोसा इसदा, क्या होगा अगर बाहर आकर डंडा परोसा इसदा। वो भी है। यार पिजन यहाँ तो पुलिस है, अंदर कैसे जाए। हमें किसी न किसी तरीके से इस घर से वो जहाज निकालना पड़ेगा। फर फर फर। एक आइडिया है। वेल हू द यू द आर इज द अजय देवगन या अक्षय कुमार इज द है। नहीं नहीं मैं तो जड़ी बूटी बेचने वाला हूँ। वो भी चमत्कारी। हाँ ये है ना एक ऐसी जड़ी बूटी है कि इसे है ना अपने दांतों में लगा के और अपने दांतों को ऐसे खोल के और 15 मिनट है ना आंखें बंद करके खड़े रहो, फिर है ना आदमी के सारे दांत है ना जैसे मेरे ये दो सोने के दांत है ना ऐसे हो जाते हैं। दिखाओ दांत, दिखाओ दांत। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसे आजमाइए और अपने दांतों पे लगाइए। वेल अजमाने में नहीं है कोई नुकसान इसदा, गोपी को प्यार करता है पूरा हिंदुस्तान इसदा। देखो आजमा तो लेते हैं लेकिन अगर हमारे दांत सोने के नहीं हुए ना तो तुम्हें फांसी भी हो सकती है। नहीं हम पुलिस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ये लीजिए, अब है ना इसे अपने दांतों पे मलिए। हाँ और दांतों को है ना ऐसे खोल के ऐसे और 15 मिनट आंखें बंद करके खड़े रहिए और फिर है ना कमाल देखिए। लेते हैं यार सोने के दांत। हाँ देख हुए हो गया, हो गया जा। पहले दो करके देखता हूँ मैं, फिर करूँगा। कर लो कर लो। 24 कैरेट के बनेंगे ना। हाँ 25 के भी बन सकते हैं। क्या बात है। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमको थोड़ी मालूम था कि वो हमको गधा बनाने आया है। या माँ हम लोगों को उसने सोने के दांत के नाम पे बनाया उल्लू इसदा, लप्पी है पंप, मैं हूँ टुल्लू इसदा। ए मैन हम क्या बोलता है, एक जहाज चोरी हुआ है सिर्फ। मैडम 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 यो अपने पति को इसने खूब पीटा है, लमलेट कर दिया पीट पीट के। अरे मैडम मैं अपने पति को लमलेट क्या करेगी, मेरे पति को तो किडनैप कर लिया है किसी ने। किडनैप नहीं हुआ है, निकल लिया वो बच के, अब कर लो दूसरी शादी। तेरे कैसे कंफर्म हो रहा कि तेरा पति किडनैप ही हुआ है। ये देखने का मैडम, मेरे घर को ये किडनैपर लोग ये चिट्ठी छोड़ के गए और इसमें लिखा है कि अगर मुझे मेरा मर्द वापिस चाहिए तो जहाज लेके आओ।
ये कितने पर हल कटे क्या? मैं मच्छी वाली हूँ, मेरे पास जहाज कहाँ से आएगा? मेरे पास तो ना हुए जहाज यानी सिप। एक मिनट, मन्नू एक बात बता, थारे घर में कोई अपना जहाज जैसा सिप वाला कोई खिलौना है? मेरे घर पे एक खिलौना है, पर वो किधर रखा है वो मेरे को नहीं मालूम है, वो बाबू को ही मालूम है। Yes! आखिर उस जहाज में ऐसा है के? ये है हमारा मिल्क बार। वेरी नाइस। आपने मेरी खोली तो देखी, ये है मिल्क बार। अरे हाँ, तुम्हारी खोली तो ढूंढ मारी हमने, पर जहाज कहाँ है? मिला ही नहीं। जहाज है भी क्या? तुम ऐसे ही बोल रही हो हैं? अरे मैं उसको कई बार देखी, मैं तो उस जहाज को फेंकने वाली थी, ये सोच के कि कितना पुराना सड़ेला खिलौना रखा हुआ है। तो फेंका क्यों नहीं? अरे मैं फेंकी नहीं, क्योंकि वो बाबू है ना, वो बोवा बोव करने लगा, कहने लगा कि मेरे डैडी ने बोला है वो जहाज को बहुत संभाल के रखने का, ये एड़ा। इसकी खोली में तो मिला ना है वो जहाज, हो सके बाबू ने इस मिल्क बार में रख दिया हो। यस! जरा वो अपना डिस्ट्रिक्ट नाप भाई ला लो, एहसान कर लो जरा हम पे, ढूंढ मचा लो थोड़ी सी। यहाँ I like it. Yeah. Oh my God! Well, Mom, ये रहा जहाज इसदा, कुछ तो काम किया मैंने आज इसदा। मैडम ये जहाज? ये मैडम ऐसा सेम टू सेम जहाज वो आंटी के घर पे था मैडम, सेम। हाँ मैडम, गुलगुले जी एकदम ठीक कह रहे, बिल्कुल ऐसा ही जहाज था आंटी के। एक तरह दिखने वाले दो जहाज, एक आंटी के घर में जो कि वो लोग चुरा ले गए, फिर दूसरा जहाज ढूंढने के चक्कर में वो लोग पूरी बस्ती छान देवे, हर घर में घुस जावे, घरों के बाहर क्रॉस का मार्क बना देवे, फिर उन्हें पता लगे कि बाबू के पास है यो जहाज, तो फिर बाबू किडनैप हो जावे। लेकिन जहाज तो यहां है, आखिर इन दोनों जहाजों में ऐसा है के? सर, चक्कर लेते मैं छोड़ा ला। सर आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, खिलौनों से खेलने का आपको शौक है ना, बॉल और बैट और सचिन आप हो रहे हैं बिल्कुल ही, जरा पता लगाइए इसमें के। ऐसे कैसे पता लगे? Wait, यार, he is player. और भाई, ये किसी प्रकार का नक्शा मैप लग रहा है। देखें जरा। मैप? पर यो मैप आधा है। इसका मतलब आधा मैप इस जहाज में और आधा आंटी के जहाज में जो उन लोगों ने चुरा लिया और ईब उनके पास। ईब सवाल यो है कि जब यो आधा मैप उस आधे मैप से मिलेगा तो कौन सा गुल खिलेगा? गुल गुले। जहाज कहाँ होना? दाल में तड़का है, भौजी को हुआ लड़का। आइला, जहाज तो समुद्र में होता है ना, मच्छी मगरमच्छ है। शट अप,
चप्पू और तेज चलाना होना, समंदर में तूफान आने वाला होना। आइला पानी किधर है? पानी पानी चारों ओर पानी है, कहीं पे जमीन दिखी नहीं रही है। आइला मच्छी मगरमच्छ है। ए मछुआरे, जितना पूछा जाना होना उतना जवाब देना होना। वो समंदर वाले जहाज का तलाश नहीं होना हमको। आइला तो कौन सा जहाज की तलाश होना है? मतलब कौन सा जहाज चाहिए आपको? मच्छी मगरमच्छ है वो छोटा खिलौने वाला जहाज का तलाश होना जो तेरे पास होना। दाल में तड़का है, भौजी को हुआ लड़का है। वहाँ आइला तो उसमें मुझे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देते, मैं लेके आता मच्छी मगरमच्छ है। जल्दी जल्दी बोल दे जहाज कहाँ है, वरना तेरी जिंदगी का कर दूंगा फड़ 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 फड़। अरे वो जहाज तो मेरे मिल्क बार में है। अरे वाह वाह वाह, कितना मस्त नाचती है ना मैं, है ना बहुत मस्त। अच्छा अभी हम लोग भाई लोग सब लोग इधर एक खेल खेलेंगे, ठीक है? अभी खेल बहुत मस्त है। ये मेरा नौरा देखो कितना गोरा चिट्टा, इसको मच्छी खिला खिला के मैं गोरा बनाई, नहीं तो धूप में काला हो गया था। ये मेरा नौरा खाली गोरा ही नहीं है, एकदम शक्तिशाली भी है, इसमें बहुत ताकत है। तो अभी जो मेरे नौरा के साथ पंजा लड़ा के जीतेगा वो ये मिल्क बार से कुछ भी सामान मुफ्त में ले जाएगा। बोलो मंजूर है सबको? क्या बोलती है, कुछ भी लेके जा सकते हैं? अरे कुछ भी, टेबल कुर्सी रेडियो फैन लाइट सब कुछ भी ले जाने को मांगता, लेकिन मेरा नौरा को हराने के बाद ही। बोलो खेलेगा गेम, कौन कौन खेलेगा बोलो, बोलो, बोलो। खेलेगा। चलो सबसे पहला कौन आएगा जल्दी बोलो। कोई है? मैं आएगा। अरे तू सिक्सी पहलवान, अरे बाप रे, आ जल्दी आ। टोनी अंकल हटो ना, जम के बैठा है तुम भी, हट। सर आपको याद है ना आपने हारना है? याद है भैया, लेकिन इससे हारना है। अरे सबको सब याद है टोनी अंकल, चलो सर को जगह खाली करो। टोनी अंकल आ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा, चल खेल। जॉनी जीतेगा। क्या अरे जौनी, तेरे को मैं शार्क समझी, तू पंपलेट निकला। बोल रहे क्या चाहिए तेरे को अभी? अपुन को ये कुर्सी चाहिए, अपुन इसी में सोएगा। ठीक है सबको कुर्सी चाहिए, नेता को भी कुर्सी चाहिए, जा निकल जा। चलो चलो अभी बोलो कौन है, पहलवान है कोई जो जौनी से जीते? मेरा जौनी मेरा पंपलेट बोलो। अगर मैं जीत गया तो डांस करूंगा एडम के साथ। क्या बोला बे? डांस करना पड़ेगा? कुछ नहीं होता उसमें। आ जा बेटे बैठ, पंजा लड़ा। चलेगा चलेगा, पंजा लड़ा पंजा लड़ा। आओ 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 डांस, भाई बहन लोग भी डांस करता है। जॉनी चल चल, जॉनी जॉनी भाई, जॉनी चल भाग यहाँ से, बड़ा यार नाचने वाला। आप खुद से हारना था सर, लग कोई और आपके साथ नाचे ना, ये हम देख नहीं सकते और होने भी नहीं देंगे। हमारे सिवा और कोई नहीं नाचेगा आपके साथ, समझ गए आप? और बोलो और कोई है जो
जो मेरा ये शार्क नौरा से पंजा लड़ा के जीत जाए और कुछ भी सामान मिल्क बार से लेके जाए, बोलो कुछ भी सामान। पंजा लड़ाने को तो हम भी हैं। डांस करना है? नहीं। प्लीज हार जाना, मेरा नवरा है। अब बोलो जॉनी जॉनी। यस पापा। हाय। अरे सांसें थोड़ी धीरे लो यार। जॉनी 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 जॉनी। चलो चलो, बहुत ही खुशी की बात है कि ये झींगा मेरे पंपरेट से जीत गया। अभी तू झींगे बोल, तेरे को क्या चाहिए? इधर मिल्क बार में टोकरी है, मेज है, टेबल है, लैंप है, रेडियो है और फैन है, फोन है, जहाज। यहाँ पे एक खिलौने वाला छोटा जहाज है, वो मुझे चाहिए। इधर किधर दिख रहा है तेरे को जहाज? किधर दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? किसी को दिख रहा है? इधर तो किधर नहीं दिख रहा है जहाज वाला खिलौना। तेरे को कैसे मालूम इधर जहाज वाला खिलौना है? कौन है तू? चलिए 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 अबे। ये कहाँ चला गया गोपी? God knows. गोपी, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके। Hands up. वाला, मेरे हाथों से बचकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Well, who is that fellow? Is the For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.